हेलो दोस्तों, आपका पिजन स्टूडेंट टेक चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो भाई आप लोग देख ही रहे थे गर्मी कितनी तेज़ी से पड़ रही है भाई, बहुत ज़्यादा ही भाई गर्म पड़ रहा है हमारे यहाँ। तो भाई आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने कबूतरों को गर्मी से कैसे बचाएं, ठीक है भाई। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई अगर आपके पास ऐसा जाल है जिसमें चारों तरफ से भाई जाली लगी हुई है, तो भाई आपके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि भाई इसमें कबूतरों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है और इसमें वेंटिलेशन सिस्टम भी बढ़िया बना रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा भाई जाल जाली का बना हुआ है दोस्तों, इसके अंदर गैस बनने का खतरा नहीं रहता है बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों अगर गैस बनेगी तो भाई आँख की बीमारी सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है भाई। तो अगर आपके पास गर्मियों में जाल जाल तो भाई आपके लिए सबसे बढ़िया है, तो अगर आपके पास ऐसा जाल है भाई चारों तरफ से बंद है तो भाई आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। अगर भाई आपके पास ऐसा जाल है तो भाई आपके पीछे खिड़की होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई हवा अगर यहाँ से घुसेगी तो इसको निकलने की भी जगह चाहिए, वरना तो अंदर गैस बनेगी और कबूतर बीमारी में दोस्तों बहुत जल्दी आएंगे। देख सकते हो मैंने खिड़की भाई अलग से लगाई थी, पहले खिड़की नहीं थी इसमें, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, ये भाई मैंने खिड़की अलग से लगाई थी, क्योंकि भाई जब ये खिड़की नहीं थी मेरे का तो भाई मेरे का आँख की बीमारी दोस्तों सबसे ज़्यादा आती थी। तो मेरे सारे कबूतरों की आँख उठ गई थी दोस्तों, मैंने सही करी थी, फिर दोस्तों मैंने जाके खिड़की बनाई थी, सबसे भाई आँख की बीमारी एक बार भी नहीं आई है। देख सकते सब कबूतर भाई मेरे स्वस्थ हैं। तो भाई पानी लगाने के लिए वीडियो मैंने पॉज करी थी, ठीक है भाई। चलिए आपको आगे बताते हैं। तो भाई आपको खिड़की के पीछे लगाना ज़रूरी है, ठीक है भाई। और अगर खिड़की आपने लगा दी भाई, तब भी अगर गर्म आपके नीचे पड़ रहा है कबूतर आपके हाँफ रहे, तो भाई देखिए मैंने ये लगा रखी है, क्योंकि भाई मेरे कबूतर तब भी हाँफते थे। देखिए भाई डबल टीन मैंने कर रखी है, क्योंकि भाई जब धूप पड़ती है, अभी वाली टीन मैंने नहीं लगा रखी थी भाई, जब धूप पड़ती थी इस वाली टीन पे तो भाई बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाती थी, और नीचे दोस्तों काफ़ी से गर्माहट आती थी, इससे भाई पानी भी गर्म हो जाता मेरे जाल का जो मैं अंदर लगाता हूँ, भाई कबूतर भी थोड़े भाई सुस्ती में आ रहे थे। तो भाई जब से मैंने डबल टीन लगाई है, देख सकते हैं आप लोग, तो भाई ये वाली टीन पर बिल्कुल धूप नहीं पड़ती है, और भाई टीन बिल्कुल जाए जितनी देर धूप पड़ी दोस्तों बिल्कुल ठंडी टीन रहती है मेरी, क्योंकि जितनी धूप पड़ती सब वाली टीन पे पड़ती ऊपर वाली पे, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जितनी धूप पड़ती सब वाली ऊपर वाली टीन पे पड़ती है, और भाई वाली टीन गर्म होती तो भाई हवा यहाँ से जाती दोस्तों वाली टीन ठंडी अपनी बनी रहती है दोस्तों। 12 महीने वाली टीन लगाए रखता हूँ भाई, हटाता नहीं हूँ, चाहे भाई जितनी गर्मी पड़ जाए मेरे कबूतर जल्दी सुस्ती में नहीं आते भाई, ना जल्दी भाई बीमार होते हैं। देखिए भाई हवा चलती भाई यहाँ से भाई बिल्कुल भाई आराम से पास होती, इससे वाली टीन भाई बिल्कुल ठंडी बनी रहती है और मेरा जाल भाई ठंडा बिल्कुल रहता है। तो इस टाइम भी जाल भाई मेरा बिल्कुल गर्म नहीं है, देख सकते हैं सारे कबूतर भाई मेरे बिल्कुल आराम से रहते हैं, एक भी कबूतर भाई हाँफ नहीं रहा होगा। अब देखें ठीक है भाई, अगर आपका लॉफ्ट भाई ऐसा है तो आप डबल टीन उसके ऊपर कर सकते हैं भाई, बिल्कुल आपके लॉफ्ट के अंदर गर्मी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इधर आपको चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो दोस्तों गैप दोस्तों होना चाहिए, एक एक ईंटे देखे गैप कर रखा है मैंने, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पीछे से भी देख लें, इससे बिल्कुल भी अंदर गर्म नहीं पड़ता है। अगर भाई आपके पास ऐसा जाल है तो सबसे बढ़िया भाई, क्योंकि इसमें हवा वाई आती जाती रहती है, इसलिए टेम्परेचर इसका भाई मेंटेन रहता है बिल्कुल। तो भाई बस यही छोटी जानकारी आपको देनी थी। अगर भाई वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोग ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। तो चलिए आज की रोज इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं।